सरकार और प्रशासन की तरफ से किसानों को मंडी में हर सुविधा मुहैया कराने के दावे किए गए हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला है झज्जर की अनाज मंडी में। झज्जर बारिश से अनाज मंडी में पड़ा गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का गेहूं मंडी में बर्बादी की कगार पर है। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के गृह जिले की अनाज मंडी का है। किस तरह से मंडी में गेहूं बर्बाद हो गया है। मंडी में शेड नहीं होने के कारण खुले में पड़ी गेहूं की बोरियां भीग चुकी हैं। जी, परेशानी तो ये आ रही है कि बारिश से प्रशासन के लापरवाही के कारण गेहूं भीग गया। पीछे बारिश आई थी तब भी भीग गया था। मंडी में गेहूं का प्रॉपर उठान नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आलम ये रहा कि बरसात का पानी बोरियों के नीचे से बहता हुआ दिखाई दिया। इतना क्या नुकसान हुआ है बारिश से और बारिश क्या से रही है? भारी नुकसान हुआ है। नुकसान तो भाई होने लग रहे हैं। हम तो ये गाड़ी नहीं मिलती हमारे को। दस लाख का मेरा। तेज बरसात में न सिर्फ खुले आसमान के नीचे पड़े गेहूं को भिगोने का काम किया, बल्कि अन्नदाता की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। टीम फोकस हरियाणा के साथ बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।